No. Hello, my loves. What's up? It's me, your Incha Barbie. Welcome back to my YouTube channel, New Era Incha. So, I hope you all are doing great. So, आज का टाइटल और थंबनेल देख के तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि आज ये वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है. सो यार, आज मैंने फिर से इंस्टा शॉपिंग हॉल का एक वीडियो मैंने लाया है. मैंने बेसिकली इंस्टा से कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स फिर से बाय किए हैं. आप मेरे चैनल पे न्यू हो और अगर मुझे नहीं जानते, सो मेरा नाम है इंशा और आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ. सो बेसिकली आज पार्ट टू इंस्टा शॉपिंग हॉल होने वाला है. बिकॉज मैंने एक इंस्टा शॉपिंग हॉल फर्स्ट पार्ट भी बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जल्दी से जाके आप उसे देख लो. ओके, पहले एक मैं बात बता दूं, अगर आप मेरे चैनल में अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो प्लीज. सो या विदाउट एनी टॉकिंग मच लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो फर्स्ट प्रोडक्ट है जो मैंने बाय किया है. सो ये है टिंकल आईब्रो रेजर. बेसिकली ये फेस रेजर है. ये कुछ इस तरह का आता है. मेरे पास ये फेस रेजर नहीं था और मुझे इसे बाय करना था. सो इसमें बेसिकली 3 पीसेस आते हैं, बट मैंने एक पीस मुझे चेक करना था. सो मैंने उसे निकाल के अपने सिस्टर पे चेक किया. बहुत ही अच्छा ये रेजर है. ये कुछ इस टाइप का दिखता है और जब आप इसे ओपन करोगे तो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा. वैसे आजकल ये सारी गर्ल्स के पास है, वो वैक्सिंग से ज़्यादा आजकल ये यूज़ कर रही हैं. इसमें ये पेनलेस होता है, इसमें दर्द नहीं होता है, इसलिए काफ़ी गर्ल्स यही यूज़ कर रही. या मुझे भी ट्राई करना था ये. अब सेकेंड थिंग जो मैंने बाय किया है, चलिए देख. सेकेंड प्रोडक्ट जो मैंने बाय किया है वो है ये केली लैशेज ग्लू. ये फुली ट्रांसपेरेंट ग्लू है और ट्रांसपेरेंट ग्लू मुझे लैशेज के लिए चाहिए था. बेसिकली मेरे पास ब्लैक लैशेज ग्लू है और वाइट भी है, बट मुझे एक ट्रांसपेरेंट लेना था. सो कुछ इस तरह का दिखता है. अभी मैंने इसे यूज़ नहीं किया, यूज़ करके मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि ये कैसा वर्क करता है. कैसे मैंने अभी तक ओपन नहीं किया है. सो इसे जब मैं यूज़ करूंगी तो आप लोगों को बता दूंगी ये वर्क करता है या नहीं. ओके, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है जो मैंने बाय किया है वो है ये मैक प्रेप प्लस प्रेम एसेंशियल ऑयल. ये कुछ इस तरह का है और जब आप इसे निकालते हैं तो ये कुछ इसके एप्लीकेटर ड्रॉप फॉर्म में है. ओके, अभी मैंने कुछ भी ट्राई नहीं किया गाइस, सो मैं डायरेक्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी. ये कुछ इस टाइप का है और इसे मैं चेक करके बताती हूँ. वाओ, सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है. इसका फॉर्मूला भी बहुत सॉफ्टी है. डिफरेंस दिख रहा है आप लोगों को. इसमें मैंने इसे यूज किया है, इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है. इसे मैं अपने कोई मेकअप ट्यूटोरियल में जरूर यूज करूंगी गाइस. सो स्टे ट्यून्ड. ओके, सो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस आइकॉनिक लंदन फाउंडेशन. सो ये कुछ इस टाइप का दिखता है. ओके, और इसे जब हम इसका माई शेड इज 03 और ये कुछ इस टाइप का आता है. ये है आइकॉनिक लंदन फाउंडेशन है और इसकी पूरी क्वांटिटी है 30 ml. और ये अभी मैंने किसी चीज़ को भी यूज़ नहीं किया है गाइस, जब मैं यूज़ करूँगी तो सबका बता दूंगी. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज ऑल्सो फाउंडेशन. ये कुछ इस तरह का है, बॉबी ब्राउन स्किन फाउंडेशन SPF 15 टेंट. ये कुछ इस टाइप का है. इसका आउटर पैकेजिंग और एंड माई शेड इज वॉर्म सैंड 2.5. ओके, इसे ओपन करेंगे तो ये भी एक ग्लास के बॉटल में आता है. और वो जो अभी मैंने जो फाउंडेशन दिखाया वो भी ग्लास का था. उसका फॉर्मूला आई थिंक थोड़ा मैट सा है और ये कुछ इस टाइप का है. इसे मैंने अभी तक गाइस, अभी मैंने बताया कि मैंने कोई भी चीज़ को अभी तक यूज़ नहीं किया. उसका कैप नहीं है और इसमें एक कैप भी आता है. बहुत अच्छी बात है, कैप
पता ही आप लोगों की हाइजीन वगैरह आजकल कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है हमारे लिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट है जो है ये दोनों ब्लश। ओके, ये दिख तो रहा है एक जैसा, बस इन दोनों का शेड अलग अलग है, मैं एक एक करके आप लोगों को बता देती हूँ। ये है फ्लावर इसिफार कलर फ्लावर ब्लश। ओके, सो ये कुछ मुझे इसकी पैकेजिंग हाय बहुत ज़्यादा ही प्यारी लग रही थी, इसलिए मैंने इसे ऑर्डर कर दिया। सो ये कुछ इस तरह का ओपन होता है तो दिखता है। यहाँ पे एक हाइलाइटर शेड आप लोग को मिलता है, बाकी सब पूरा मैट ब्लश है। एंड इसका पिगमेंटेशन आप लोग को दिखा दूँ मैं, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। मैं सारे शेड तो अब नहीं दिखा सकती, बट कुछ के शेड मैं दिखा दूंगी। ये ब्लश का कुछ इस टाइप का है, इसका शेड है 02 एंड ये ब्लश का शेड है 01। ओके, और इसमें आपको पिंकिश टाइप के बहुत सारे शेड मिल जाते हैं। इसमें एक भी हाइलाइटर शेड आप लोग को नहीं मिलता है 01 में, बट इसमें एक हाइलाइटर शेड भी आप लोग को अवेलेबल मिलेगा शेड 02 में, और इसमें कुछ इस टाइप का आप लोग को दिखेगा। और इसमें टोटल न्यूड शेड है, सारे पिंक विदाउट एनी शिमर के मिलेंगे इसमें, सारे पिंक आई थिंक आप लोग को दिखता होगा ये। तो यार मैं ज़रूर कोई वीडियो में इसे यूज़ करूँगी और आप लोग को दिखाऊँगी। ओके, सो लास्टली बस दो प्रोडक्ट मेरे पास बचे हैं और यही दोनों काफ़ी ज़्यादा मुझे इन दोनों का इंतज़ार था, बट गाइज मैं थोड़ा सा हार्ट हो चुकी हूँ इन सब मीन्स ये दोनों प्रोडक्ट को लेके, काफ़ी नहीं बस छोटू सा हार्टनेस मुझे हुआ है। सो या मैं दिखाई, इनकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी मुझे लगी, इनकी गलती बस ये है, मैं बता दूँ मैं किस चीज़ से हर्ट हुई हूँ। ओके गाइज, सो मैंने कुछ इस तरह का एक ग्लो किट ऑर्डर किया था, लाइक हाइलाइटर मैंने ऑर्डर किया था, ये कुछ अनास्तासिया फेवरी आई थिंक गाइस मैं ये चीज़ सही से प्रोनाउंस कर रही हूँ। सो यार ये कुछ इस तरह का बाहर से दिखता है, इसकी पैकेजिंग देख के मुझे मैं काफ़ी अट्रैक्ट हुई थी और ये कुछ इस टाइप का दिखता है और ये कुछ ऐसे ओपन होता है। गाइस मैंने शेड दूसरा यहाँ पे आपको पिक दिख जाएगी, ये वाला शेड मैंने ऑर्डर किया था बट मुझे मिला ये वाला शेड। या थोड़ा सा मैं हर्ट हो गई बिकॉज ये वाला जो शेड था वो वाला शेड मुझे चाहिए था। और ये एक जब आप इसे ओपन करेंगे, एक वेट गाइस, ओके सो आप इसे जब ओपन करेंगे तो इसमें एक कवर मिलेगा, ट्रांसपेरेंट कवर। बेसिकली सारे आई शेडो में ऐसे कवर आजकल मिल रहे हैं। ये हाइलाइटर कुछ ऐसा है गाइज, मुझे ये वाला नहीं चाहिए था, चलो फिर भी अब मुझे ये भी काफ़ी पसंद आया। इसमें टोटल आपको 6 शेड अवेलेबल होंगे इसमें, ये वाला हाइलाइटर आपको ज़्यादा यूज़ में आएगा और इसमें टोटल 6 शेड मिलेंगे, किट कैट फॉर एवर यंग, डे ड्रीम फॉर एवर लाइट, ग्लो ग्लिटर एंड 143। ओके, सो इन सबके स्वॉचेस मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरह का है, मैं डायरेक्ट अपने सबके तो मैं नहीं दिखाऊंगी, कुछ कुछ ये वाला मेरे आई थिंक यूज़ में आ जाए मैं अपने नोज़ पे। ये बहुत ज़्यादा अच्छा हाइलाइटर है बट मुझे ये वाला बेसिकली शेड चाहिए नहीं था, लेकिन कोई ना, चलो मिल गया तो चलो। अब इसे रिटर्न मैं नहीं करा सकती थी बिकॉज मुझे कुछ ज़रूरी था, सो मैंने रिटर्न नहीं कराया। ओके, सो लास्ट प्रोडक्ट इज़ माय फेवरेट, वो आन बान शान है इस शॉपिंग का, मेरे इंस्टा शॉपिंग का। सो ये है कुछ हेटेड विथ लव प्रेस्ड ग्लिटर प्रेस्ड पिगमेंट पैलेट SFR का, ये कुछ इस टाइप का दिखता है। ये बहुत ही प्रिटी पैलेट है और साथ में मैं आपको ज़्यादा ही हर्ट हो चुकी हूँ। मैंने जब एक बार और मंगाया था, बेसिकली उनकी गलती नहीं है, उनकी पैकेजिंग बहुत बहुत अच्छी उनकी पैकेजिंग थी, वो बहुत अच्छे से बबल रैप वगैरह करके मुझे सेंड उन्होंने किया था, बट अब हो जाती गलती, पार्सल वाले इधर उधर इसे फेंकते हैं इसलिए शायद। सो या गाइस इसे ओपन करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा,
इसी का मुझे काफी इंतजार था, इसका और वो हाइलाइटर का। बट इसमें हट किस लिए हूँ गाइस, ये खूबसूरत तो बहुत है बट मैं हट किस चीज के लिए हुई हूँ आप ही देख लो गाइस। मिरर इसका पूरी तरह टूट चुका है, इसका मुझे काफी दुख है बट कोई ना, चलो इसमें टोटल आप लोगों को आई थिंक 63 शेड मिलेंगे और सारे शेड के नेम यहाँ मेंशन होंगे और ये कुछ ऐसा दिखता है। ओके, सो ये कुछ इस टाइप का। इसमें आप लोगों को शिमर आई शेडो, न्यूड मैट, ट्रांजिशन वॉर्म एंड प्रेस्ड ग्लिटर भी, आई थिंक बिगनर्स के लिए जस्ट लाइक हेवन है ये पहले। सो ये कुछ ऐसा दिखता है। इसके पिगमेंट्स की मैं बात करूँ, सो या मैं आप लोगों को डायरेक्ट अपने आईज पे अप्लाई करके दिखाऊंगी। ओके, सो मैं ले रही हूँ ये ब्राउनिश शेड और इसे मैं बेसिकली अपने, अभी मैं कोई टूल्स वगैरह लेके नहीं बैठी हूँ गाइस, सो मैं बस हल्का सा प्रेस करके इसे मैं अपने आईज पे अप्लाई कर रही हूँ। ओके, सो अब मैं लूंगी कोई ग्लिटर वाला शेड। अब मैं पिक कर रही हूँ ये प्रेस्ड ग्लिटर शेड और इसे मैं जस्ट थोड़ा सा अपने आईज पे, वाओ इट्स अमेजिंग गाइस, कैन यू सी दैट। और इसमें सबसे अच्छी बात कि आप सोचते होंगे कि ग्लिटर वाले में वैसलीन या जेल डाल के आप लोगों को दे देता है बस, बट ऐसा कुछ नहीं है गाइस, इसमें जेल वगैरह कुछ नहीं है। मैंने खुद इसे चेक किया है और आप देख सकते हैं थोड़ा सा भी स्टिकी नहीं है, बस प्रेस्ड ग्लिटर है, बहुत अच्छा है, फॉल आउट भी नहीं है, आप देख सकते हैं लाइक OMG, आई एम सो हैप्पी। बस इसका मिरर थोड़ा सा टूट गया, इसे कोई नहीं, चलो गलती उनकी नहीं थी। सो या अब मैं अपना थोड़ा इनर कॉर्नर हाईलाइट करूंगी ये स्नो वाइट शेड लेके। इसमें आपको सारे शेड के नेम है वाले, OMG, सो पिगमेंटेड। जस्ट मैंने थोड़ा सा प्रेस किया और इसे मैंने यूज किया है या एक हाई मेकअप लुक भी मैंने इससे क्रिएट कर लिया। सो या इसमें बहुत ज्यादा पिगमेंटेड आई शेडोज हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल शेड कितने होंगे, मैंने अभी तक काउंट नहीं किया, आई थिंक मुझे याद नहीं है। यहाँ पे सारे शेड अवेलेबल, आई मीन जितने शेड हैं यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगी। सो या अब मैं बता दूँ इनके पिगमेंट्स वगैरह, मैं अपने हैंड पे भी स्वॉच करके आप लोग को दिखा देती हूँ ताकि आप लोग को अगर लेना वगैरह हो। सो ये एक मैंने शिमरी शेड मल्टी कलर का यूज किया है, इस शेड नेम है फिंगर्स और वाओ। एंड अब मैं ले रही हूँ लव ब्यूजी, एंड जस्ट मैंने ऐसे से टच किया और यूज किया और आप पिगमेंट्स देख सकते हैं इसके। अब मैं एक ले रही हूँ ग्लिटर शेड, वो रेड ग्लिटर, इसका नेम है पर्पल गोल्ड एंड सी लाइक। इसको तो इसके बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है गाइज, आई थिंक। सो ये पैलेट लेने के बारे में आपको तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप जस्ट आप जाएं और इसे बस बाय करें एंड जस्ट आप इसे ले सकते हैं। सो या गाइज, मैं आप लोगों को ये पैलेट रिकमेंड कर सकती हूँ। सो या आप लोगों को बताएं, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा सो आप जाके, मेरी लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो आप जाके जल्दी से उसे चेक कर ले। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर, इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे मिलेगा और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से भी आप जाके चेक कर सकते हैं। एंड अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो जल्दी से कर लो यार, प्लीज एक सब्सक्राइब और आप लोग का एक पॉजिटिव कमेंट मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। सो या गाइस, आज की मेरी ये वीडियो बस यही खत्म होती है। बाय बाय, टेक केयर।